अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम एक न्यू एंड एक्साइटिंग मेथड को सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल टेक्स्ट एट वंस। इस वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मली एंड्रॉयड में प्री इंस्टॉल होती है, मतलब कि उस ऐप को आमतौर पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस ऐप से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल कीबोर्ड। जी दोस्तों, गूगल कीबोर्ड नॉर्मली एंड्रॉयड मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल होता है, इसलिए आपको किसी न्यू ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके फ़ोन में गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करें गूगल कीबोर्ड एंड उसे इंस्टॉल कर दें। मेरी मोबाइल में ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको यूज़ करने के लिए मैसेंजर ऐप ओपन करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अच्छी एंड्रॉयड SMS मैसेंजर के बारे में जानना है तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको राइट करने की परमिशन हो। और ये एप्लीकेशन इसलिए भी अच्छी है कि जिस जगह पर आपको राइट करना होगा या जहाँ मल्टीपल टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, वहाँ कीबोर्ड तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और मल्टीपल टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट वाला मेथड भी कीबोर्ड में ही है, इसलिए ये कीबोर्ड बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इस मेथड को यूज़ करने के लिए आप कीबोर्ड के इस सेंटर वाले आइकन में जाएं। ये ऑप्शन क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, नॉर्मली ये ऑप्शन डिसेबल होता है, आप इसको इनेबल कर दें। इसमें आपको टिप्स भी देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप टोटल 5 टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं जो कि 1 घंटे तक कॉपी रहेंगे। इन केस अगर आपको कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल टेक्स्ट करने हो फॉर नॉर्मल पर्पस, तो आप उनको सिंपली कॉपी कर सकते हैं। मैक्स 5 टेक्स्ट रिसेंट में कॉपी हो जाएंगे जिनको आप क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो जो लास्ट टेक्स्ट होगा सिर्फ वही पेस्ट होगा। तो दूसरा टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में जाना पड़ेगा जो कि सिंपली अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर टोटल 12 टेक्स्ट लिखे हैं इस एग्जांपल देने के लिए। मैं इनको 1 बाय 1 कॉपी कर लेता हूँ 5th टेक्स्ट तक। टोटल 5 टेक्स्ट मैंने कॉपी किए थे जो कि रिसेंट में अवेलेबल हैं और एक पहले ही मैंने पिन किया हुआ है। मैं आपको 6 टेक्स्ट कॉपी करके चेक करवा लेता हूँ। जैसे ही मैंने 6th टेक्स्ट कॉपी किया, 1st टेक्स्ट रिमूव हो गया और टोटल मेरे पास सिर्फ 5 टेक्स्ट बचे रिसेंट में। तो रिसेंट में आप सिर्फ 5 टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, जबकि अगर आप इनको पिन कर दें तो आप ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। मैं इनको 1 बाय 1 पिन करके आपको चेक करवाता हूँ। अब मेरे पास टोटल 6 टेक्स्ट कॉपी हैं। मैं मज़ीद टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास टोटल 5 टेक्स्ट रिसेंट में कॉपी हो गए। अब मैं इनको भी पिन करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास टोटल 11 टेक्स्ट पिंड हैं। मैं मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ। और इनको भी पिन कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल 13 टेक्स्ट पिन हो गए जो कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और 5 टेक्स्ट आप रिसेंट में रख सकते हैं जो कि 1 घंटे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
आप ज़्यादा टेक्स्ट भी पिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको इस तरह के किसी और मेथड को जानना हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।